अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं, बढ़िया से खाएंगे। वेलकम टू माय ब्लॉग दोस्तों, खुशबू आ रही थी किचन से तो मैंने सोचा मैं देख लो भाई क्या बना रही है। वैसे सालू तो गुस्से में थी तो मुझे आने में तो डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं आ गया। तो ये क्या है सालू, ये दाल है, ये है क्या? पकड़ो मेरी रोटी जल रही। खुशबू तो अच्छी आ रही है क्या? अभी बैठे ये है, बोलो बोलो नाम अपने मुंह से बोलना सालू, क्या है इसका नाम? इस डिश हरे चने की कढ़ी बोलते हैं इसको। चरपरा भी बोलते हैं, इसमें खुशबू बहुत आती है। चरपरा कढ़ी है ये, वैसे हरे चने को दुरदुरा ग्राइंड करके बनाया जाता है। इसमें बस ज्यादा कलाकारी नहीं करना होता है, कुछ ही मसाले। ये तो रेसिपी है पीछे ब्लॉग में, आपको देखना है यार। ये तो दाल जैसी दिख रही है। चलो ठीक है, मैं करना हूँ कमेंट। नहीं अरे अच्छी लग रही है यार, मैंने तो खाई भी है, ऐसे मत बोलो यार। और ये गर्मा गर्म रोटी के साथ घी लगाओ यार, रोटी कितनी अच्छी दिख रही है ये देखो। रोटी में घी लगाना है? हाँ चलो मैं लगा देता हूँ। दो दो रोटी एक साथ बनाती हो सालो तुम तो, रहने का चार भी एक साथ बना सकती हो। चलो अब बन जाए फिर घी लगा के। आज दोस्तों सालू ये सोच रहे थे क्या बनाऊं, बनाने के लिए आइटम तो बहुत थे लेकिन ये कंफ्यूज बहुत थे, इसलिए मैंने खिचड़ी खाए थे। मुझे बहुत ज्यादा भूख भी लगी है, अब मेरे को कुछ अच्छा खाने का मन था। जब वन टाइम खिचड़ी हो गई है तो बस इसमें खुशबू बस नहीं होती, बहुत टेस्टी भी होता है। इसलिए मैंने कहा चना छील के रखे थे छुपा के कोने में, पूरा कचरा पूरा घर में होता था। कितनी मेहनत की थी मैंने यार इसके लिए। कौन सी आप दोस्तों जानते हो कि ये घोड़े हैं दोस्तों, ये रोड में घूमते थे ना, छोलिया, वो छोलिया को देखो मैंने क्या बना दिया, उसमें बहुत मेहनत होती है सालू। मेहनत होती है तो खाते भी तो दिन भर। ये है मेरी राक्षसों वाली रागी और ये है राजीव घी लगाते हुए गरम गरम। इसके साथ घी वाली रोटी में ना ज्यादा टेस्ट आता है। ज्यादा हो गया क्या? अंधेरा क्यों लग रहा है? हाँ अब देखो थोड़ा और उधर हूँ। मेरे घी लगाने का टेक्निक ये, इसकी शेडो आ रही है। कोई बात नहीं, रोटी दिखा मेरे को तो लोग देखते ही रहते हैं। ये देखो कितनी अच्छी अच्छे से मैं घी लगाता हूँ। ये नहीं बोल रहे हो शुक्र मनाओ कि रोटी कितनी बढ़िया बनाया हूँ मैं। रोटी तो मैंने नहीं बनाया यार, रोटी यार सालू ने बनाया। सालू ने मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। मैं तो कभी पीछे दोस्तों मेरा पन्नी का कचरा दिख रहा है। मैं ना तो झूठी तारीफ लेता हूँ ना मैं कभी झूठ बोलता हूँ। कोई बात नहीं, कचरा सबके घर में होता है यार, हम कचरे वाले हैं। कोई बात नहीं, ताकत नहीं है ना, ताकत की सर भी ताकत दिखाने वाली चीज। उधर खड़े हो ना, शैडो आती है तो दिखता नहीं अच्छे से। वाह लपड़ लपड़ घी था, इतना घी मत लगाओ यार, ऐसे लगाओ कि खा सके यार। ये देखो आप भर दी उसके अंदर, बीच में फिट कर दी भैया। अच्छा, निकालो उसको। अच्छा, उसमें दो दो रोटियां और वो करो। क्या कर रहे हो यार, पीना है क्या? कोई फायदा होता है एक्स्ट्रा घी पीने का? कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे में वो कर लेता हूँ। दो चलो, ये अभी भी गर्म है तो खा लेते गरम गरम। थोड़ा सा थिक कर लिया और ये देखो चना पास से देखा, खड़े खड़े चने। अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं, बढ़िया से खाएंगे। ये रही सब्जी, थोड़ा सा ले लिया जाए चार इस प्लेट में भी। और ये रही रोटियां, एक रोटी और इसको भी रख ही लेते हैं। तो तैयार है मेरी गर्मा गर्म थाली दोस्तों, आप देखो। और ये लगी है बढ़िया गर्मा गर्म रोटी में घी, एक बाइट लेते हुए
आज मैं ही आपको टेस्ट करके बताऊंगी। ओरिजिनल बाइट लिया करो बड़ी सी, एक रोटी एक बार में जैसे खाती हो तो। ऐसा बनाया है ना, अभी आप खाओगे तो पूरा चलेगा। चलो अब मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। फिर मैं आपसे दोस्तों मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। खिचड़ी पच गई मेरी, चलो चलो।